हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सोशल क्लास। इन टुडेस लेक्चर वी विल स्टार्ट वन न्यू लेसन नंबर, दैट इज लेसन नंबर 2, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, दिस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ अवर प्लैनेट ऑन विच वी आर लिविंग, दैट इज अवर प्लैनेट अर्थ। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट अवर प्लैनेट अर्थ, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इन टुडेस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सो व्हाट आर दिस? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मूवमेंट है वो टू वेज में होती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। Here you can see the image sun and our planet on which we are living, earth. Earth की जो movements है उसको हम बोलते हैं rotation and revolution. तो students, let's see how rotation and revolution to take place. Okay? So here you can see our earth planet is given to you. Here suppose it is a earth. See students, it is a earth, you can see. Now, here you are observing something. Yes student, then आप देख सकते हो एक ही place पे है and घूम रहे हैं ऐसे. Okay, here it is spinning from west to east. अपनी ही जगह पे जब earth अपनी प्लेस पे रोटेट होता है, ओके, इट स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ यू कैन सी हियर इज अ प्लैनेट सन इज देयर एंड अवर प्लैनेट अर्थ इज देयर। हियर यू कैन सी द ऑर्बिट, द फिक्स ऑर्बिट इज गिवन टू इन द डायग्राम। हियर यू कैन सी द फिक्स ऑर्बिट इज देयर ऑन विच द अर्थ starts moving. Okay, so it is called revolution. क्या बोलते हैं हम उसे? रिवॉल्यूशन। कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके पीछे जब हम ऐसे राउंड लगाते हैं सर्कल, ओके, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बट अपनी ही प्लेस पे जब हम घूमते हैं इट इज कॉल्ड रोटेशन। तो जब रोटेशन में कितना टाइम लगता है? वन रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स, ओके, एंड वन रिवॉल्यूशन पूरा सन के अराउंड जब अर्थ एक चक्कर लगाता है उसको कितने डेज लगते हैं? 365 डेज लगते हैं और उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी दिस रोटेशन थ्रू वन वीडियो। ओके, you can see here the top is spinning, this is the object which is running, you can see the lines, okay, here when it stops spinning the lines vanish. Now students, here this is the picture of earth, here it is north pole and south pole. The earth too has its axis which is passes through the north pole and south pole, or north pole ke passes hote hain, okay. Now axis of the top is vertical but the axis is slightly tilted, थोड़ी दबी हुई होती है दोनों poles से, okay, so the angle made is 23.5 degree, okay. Now you can see here the earth, the spinning of earth around its own axis is called rotation, okay. Now students, you know this rotation, how much time this earth takes to complete one rotation? It takes 24 hours to spin around its own axis. Now here one bowl is given to you and torch is also there. You can see जब हम light डाल रहे हैं तो ये part हमें दिख रहा है light में और ये पूरा dark है. Similarly it happens to the sun also. जब सन की रेस डायरेक्ट अर्थ पे आती है तो आधा पार्ट लाइट फुल होता है और
हाफ पार्ट में फुल डार्कनेस होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रीजन. इससे क्या होती है, मॉर्निंग एंड नाइट होती है. सो अर्थ रोटेशन कोसिस डे एंड नाइट. ओके स्टूडेंट्स, देखो अर्थ की डायरेक्ट रेज आ रही है और अर्थ अपनी प्लेस पे ही स्पिन हो रहा है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन अर्थ का. एंड जब सन की डायरेक्ट रेज आती है जिस पार्ट में, उधर हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डे टाइम एंड द रिमेनिंग इज नाइट. हियर यू कैन सी, जहां पे लाइट आती है उसको मॉर्निंग यानी कि डॉन बोलते हैं, और जहां पे लाइट नहीं आती है मीन्स इट्स अ डे नाइट टाइम, इट इज कॉल्ड डस्क. ओके स्टूडेंट्स, आई होप द कंसेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, हाउ डू यू नो दैट इट इज मॉर्निंग? आपको कैसे पता चलता है कि नाउ अभी मॉर्निंग है अभी नाइट है? ओके, व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप सोने कब सोएंगे? ओके, व्हाई डू यू ईट सर्टन फूड्स एट सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर? पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें पर्टिकुलर फूड ही क्यों खाना होता है? व्हाई? ओके, योर ऑल दिस आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर इन दिस टॉपिक. ओके, लेट्स स्टडी दिस टॉपिक. Now, all living things are affected by day and night. Agree, student? Yes, how we are affected day and night? When we wake up, eat, work, study, sleep, depends on the time of the day or night. Daytime or night time pe humara fix hai, when we should wake up, what, when should we eat, when we work. अभी हम नाइट में रात के 2 बजे क्या हम लोग ऑफिस का वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, स्कूल जाएंगे? नो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट वी कल्टीवेट, वेयर एंड ईट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द ईयर और सीजन. हम क्या, अगर फार्मर है तो वो क्या कल्टीवेट कर, कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा, क्या हम लोग क्या पहनते हैं, and what we should eat depends on the time of the year or season pe depend hai. Kis pe depend hai? Season pe. Okay, now you have learned that the earth spins around an imaginary lines called the axis. Humne previous lecture mein jab earth liye the to earth pe aisi lines thi parallel lines. ओके, दीस आर लैटिट्यूड्स एंड दिस इमेजिनरी लाइन्स, ये भी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? यस, इट इज लॉन्जिट्यूड. ओके, सो दिस इमेजिनरी लाइन्स, अर्थ क्या होती है, स्पिन होती है. आप देखो इस वे में स्पिन हो रही है. ठीक है, तो व्हेन अर्थ स्पिन्स अराउंड ऑन इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स पे ऐसे ऐसे अर्थ स्पिन होती है जब अर्थ ऐसी इमेजिनरी लाइन स्पिन होती है ऐसे राउंड. द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ड एट द पोल्स. ये नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल. आपने देखा स्लाइटली टिल्ड है, थोड़ी दबी हुई है दोनों पोल पे, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. ओके, सो दिस ऑल points are known to you. Let's study further. Okay, now what is rotation? We have just seen that the earth spins, that the earth spins on its own axis from west to east. Suppose it is the earth and it spins like this way from west to east. Okay, so this spinning of earth on its axis, north pole and south pole, खुद की axis पे ही वो जब ऐसे घूमता है, spinning होती है, उसको हम बोलते हैं rotation. Okay, here one experiment is given to you. We can see that suppose this is an earth and
टॉर्च हम लोग ऑन कर रहे हैं, तो हाफ पार्ट जिस अर्थ के जिस पार्ट पे डायरेक्ट लाइट आती है, हाफ पार्ट पे डायरेक्ट लाइट आती है और हाफ पार्ट पे लाइट नहीं आती है, ठीक है। तो इधर जब डायरेक्ट सन रेस अर्थ पे पड़ते हैं तब होता है मॉर्निंग, डे टाइम, ओके। जिस पार्ट पे डायरेक्ट सन रेस नहीं आती है, डार्क पार्ट रहता है, तब होती है नाइट। लेट्स सी फर्दर हाउ इट इज पॉसिबल। नाउ व्हाट डू यू सी, यू ऑब्जर्व दैट द साइड ऑफ द बॉल दैट फेसेस द टॉर्च, जहां पे फेस टॉर्च की लाइट आ रही है, द साइड ऑफ द बॉल दैट इज अवे फ्रॉम द टॉर्च इज इन डार्कनेस। जहां पे लाइट आ रही है वो आधा पार्ट फुली लाइट है, एंड जहां पे लाइट नहीं आ रही है वो पार्ट डार्क है। नाउ स्पिन द बॉल स्लोली, वो बॉल को धीरे धीरे आप स्पिन करो। एज यू टर्न द बॉल, जैसे ही वो बॉल टर्न होगा, द साइड दैट फेसेस द टॉर्च गेट्स लिट अप एंड द साइड दैट टर्न अवे गेट्स डार्कन। टॉर्च को नहीं हम घुमा रहे हैं, हम अर्थ को घुमा रहे हैं, ठीक है, हम अर्थ को स्पिन कर रहे हैं। तो जैसे ही उसको थोड़ा टर्न करेंगे तो जो पार्ट डार्क है वो लाइट में आ जाएगा और जिस पार्ट पे लाइट थी वो डार्क में आ जाएगा। क्लियर? इमेजिन द बॉल टू बी द अर्थ, वो बॉल को आप समझो अर्थ, एंड द टॉर्च द सन। टॉर्च क्या है? सन है, एंड अर्थ क्या है? बॉल है। इन द सेम वे द अर्थ स्पिन कॉजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू बी लिट अप वन आफ्टर अनदर। इसी वे में अर्थ जब स्पिन होता है तब क्या होता है, जब वो स्पिन होता है तब डिफरेंट पार्ट्स में लाइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे लाइट होती है उसके ऑपोजिट में डार्कनेस होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, जो सन के सामने पार्ट होता है अर्थ का वो उस उधर डे टाइम होता है, और जो पार्ट दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो क्या होती है, तब वहाँ पे नाइट होती है। सो स्टूडेंट्स, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स और वन डे टू स्पिन वंस कम्प्लीटली ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या होती है? अर्थ टेक्स 24 आवर्स और वन डे टू स्पिन वंस कम्प्लीटली ऑन इट्स एक्सिस। नाउ द अर्थ रोटेशन कोसेस डे एंड नाइट। हियर इट इज द सन, ओके। जब अर्थ क्या होते हैं, जब अर्थ स्पिन होता है, रोटेशन होती है, तो जो अर्थ का पार्ट सन के डायरेक्ट रे में आता है, लाइट आती है, वो डे टाइम होता है, एंड उसके ऑपोजिट वाला क्या होता है, यस नाइट, ओके। यू कैन सी द डिफरेंट डे टाइम एंड नाइट टाइम व्हेन व्हाइल अर्थ स्पिन्स, ओके। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, ओके। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन इज क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस द एक्सरसाइज गिवन एट द बैक एंड ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रोटेशन ओनली, ओके स्टूडेंट्स। सो टिल दैट, बाय एंड टेक केयर।